हेलो गाइज, वेलकम ऑन मेड डॉक्टर्स। होपफुली आप अच्छे होंगे, आप ठीक होंगे। आई एम कुमार अंकुश। सो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड के ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कोविड का नया वेरिएंट है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, कि उसका ट्रीटमेंट घर पे कैसे किया जाए, एक सिंपल वे के अंदर, ज़्यादा पैनिक ना होके उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सो ट्रीटमेंट से पहले अपना होता है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमको कोविड या ओमिक्रॉन हुआ है, उसका इन्फेक्शन हुआ है, अपन कोविड पॉजिटिव हैं। तो उसके लिए हमने पहले ही दो वीडियोज बना रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो हम जनरली जनरल सिम्टम्स बताते हैं अभी कि जनरल सिम्टम क्या होंगे ओमिक्रॉन के। सो इसके अंदर कोल्ड और फ्लू के जैसे सिम्टम ज़्यादा होंगे, मतलब पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट को बॉडी पेन भी हो रहा है, और पेशेंट को मतलब कोल्ड के सिम्टम्स भी होंगे, नेजल कंजेशन वगैरह, एलर्जी थोड़ा बहुत फील होना, या फिर गले के अंदर दर्द वगैरह होना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ये पेशेंट फील करेगा। तो इनका सबका ट्रीटमेंट कैसे करें वो ही जानते हैं आज के वीडियो के अंदर। सो सबसे पहली सजेशन तो ये रहेगी कि अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले आपको आइसोलेट हो जाना है, अपने घर में एक अलग रूम के अंदर आइसोलेट हो जाना है, और घर के जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ में कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा रेस्ट करना है, फ्लूड इनटेक को बढ़ाना है, और साथ में एक अच्छी डाइट, जैसे हाई प्रोटीनियस डाइट को अपने मतलब डेली रूटीन के अंदर शामिल करना है अपने खाने के अंदर। लाइक पनीर खा सकते हैं आप, अगर वेजिटेरियन हैं तो आप बहुत सारे सोयाबीन्स वगैरह और पनीर वगैरह और ये सब चीज़ें, दाल और वेजिटेबल्स और सूप और ये सब चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर ले सकते हैं, और आपको डेफिनेटली इनसे रिलीफ मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके पास वेज वाले तो सारे ऑप्शन हैं ही हैं, और उसके अलावा आप चिकन है, एग्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप फिश है वो सब ले सकते हैं, और काफ़ी आपको हेल्प करेंगे कोविड से इम्प्रूव होने में, कोविड से ठीक होने के अंदर ये सारी चीज़ें। सो ये तो हुई थी अपनी घर की बात कि भाई घर पे क्या करें। सो ये सारी चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको तेज फीवर आ रहा है, आपकी बॉडी पेन हो रही है, तो इसके लिए आप पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं। पैरासीटामोल 650 mg, और जिसको दिन के अंदर मैक्सिमम 4 बार ले सकते हैं 6 आवर्स के गैप से। सो ये डोज है एडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए ये डोज नहीं है, एडल्ट ही इसको ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है। अगर आपको एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे नाक के अंदर थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है कि इरिटेशन लग रहा है, और पानी वगैरह आंखों से नाक से बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो उसके लिए आप एंटी एलर्जिक मेडिकेशन ले सकते हैं, जो कि इसके अंदर आता है मोंटीलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन, या फिर अकेला लिवोसिट्रिजिन का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो इसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और वो एंटी एलर्जिक ड्रग हैं। और इन्फेक्शन की वजह से जैसे फीवर वगैरह, और ये तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ठीक हो गया है, पैरासीटामोल वगैरह कंटिन्यू ले रहे हैं तो, लेकिन फिर अचानक से कोल्ड के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जनरली देखा गया है इसके अंदर, ओमिक्रॉन के अंदर फ्लू और कोल्ड के सिम्टम्स बहुत जल्द आ जाते हैं, और फीवर लगभग ठीक हो जाता है। सो उसके अंदर आपको अगर गले के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, गले के अंदर दर्द हो रहा है आपको, इन्फेक्शन हो सकता है गले के अंदर, सो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक का कोर्स लेना होगा। एंटीबायोटिक के अंदर हम जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, या फिर सिफेक्जिम है, या फिर कभी कभी अमोक्सिसिलिन का भी यूज करते हैं। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हम इसके साथ में यूज कर सकते हैं, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। सो ये भी अपन कर सकते हैं। अगर आपको नोज के अंदर ऐसा मतलब स्टिफनेस और ऐसा भारी भारी सा साइनसिस के अंदर और ये सब फील हो रहा है,
तो आप एक घर पे कॉमन जो काम होता है आप गार्गल्स कर सकते हैं या फिर आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और स्टीम जैसे पानी को आप उबाल रहे हैं उसके अंदर जो विक्स आती है उसको आप थोड़ा सा डाल दें और फिर उसका आप स्टीम लें तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और डीकंजेस्टेंट का काम करेगा। और बाकी जो डीकंजेस्टेंट आते हैं, जो टेबलेट्स आती हैं जैसे फिनाइलएफ्रिन है, उनका सबका आप यूज कर सकते हैं। और एक दूसरी बात का हमेशा ध्यान रखना है कि O2 का लेवल, ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन जो सेचुरेशन लेवल है बॉडी के अंदर, वो हमेशा चेक करता रहना है। अभी भी जो स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाया था, जो सेकंड वेव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुए थे लोग और लोगों की जान गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सो वो सारे सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट अभी भी हो सकते हैं। किसी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी अभी भी हो सकती है, सो उसको तो बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। कोई भी पेशेंट हो जाए, सब अपना अपना ऑक्सीजन लेवल दिन में कम से कम 4 से 5 बार 6 बार चेक करते रहें कि नॉर्मल तो है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है काफ़ी दिन से, तो आप उसके लिए एस्कोरिल डी प्लस या फिर कोई दूसरी जो मेडिसिन्स होती हैं वो आप, जो कफ सिरप होती हैं वो आप ले सकते हैं। और हमने कफ सिरप्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अंदर आपको ड्राई कफ और वेट कफ और मतलब सब तरह के कफ के बारे में और उनकी क्या क्या मेडिकेशंस होंगे, क्या क्या उसका फॉर्मूला होगा, क्या सॉल्ट होगा उसके अंदर, सब कुछ बताया हुआ है। सो आप वहां से भी ये देख सकते हैं और आपको इसके बारे में पूरा पता लग जाएगा। सो ये थी एक बेसिक ट्रीटमेंट, और घर पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाए और मेडिसिंस की हेल्प से कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।